नमस्कार दोस्तों, MCG एकेडमी ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, RPF के ट्रेड टेस्ट चल रहे हैं और लगातार मैं अपडेटेड वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं। तो ये एक्सपीरियंस का 56वां पार्ट है और आज है दोस्तों 26 अगस्त। लेकिन कुछ बंदे क्या लेट घर पहुँचते हैं, तो उनका जो एक्सपीरियंस मैं थोड़ा सा लेट लेकर के आता हूँ। तो आप लोगों को हर एक एक्सपीरियंस को सुनना है और मैं बताना चाहूँगा कि हर बंदा जो है अपनी अपनी बात को रखता है किस प्रकार से। तो हर एक बंदे का एक्सपीरियंस आपको पूरा अंत तक ध्यान से सुनना है। इन भाई जो है बिल्कुल फॉर्मल ड्रेस में पहन करके गए थे, सब कुछ करके गए थे, फिर भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, इस बात पर भी विचार किया जा रहा है। साथ ही साथ जिन बंदों का कोई परेशानी है या आगे जो भी अपडेट चाहते हैं, तो हमारे MCG एकेडमी ग्वालियर के नीचे एक और चैनल मैंने क्रिएट कर रखा है, जो ऑल फिजिकल ट्रेड जितने भी हमारे जो डिफेंस सिस्टम है, सारे के सारे जॉब्स की तैयारी भी करवाई जाएगी वहाँ पर, फिजिकल भी की भी तैयारी करवाई जाएगी। साथ ही साथ जो ट्रेड टेस्ट रिलेटेड हो, सब कुछ आप लोगों को उसी चैनल पर उपलब्ध होगा। आगे से 1 तारीख से हमारे RPF के जितने भी नोटिस हैं वहीं पर आप लोगों को उपलब्ध होंगे, कम्युनिटी चालू हो जाएगी, उसके बाद वहाँ पर आप आसानी से किसी से भी बंदे से डायरेक्ट बात कर सकते हो। ओके, तो आज है 26 अगस्त, तो इनका एक्सपीरियंस पूरा अंत तक पूरा ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले 55 वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूँ, उनको भी पूरा अंत तक ध्यान से सुनना है आपको। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, मैं MCG एकेडमी ग्वालियर से बोल रहा हूँ सर। जी सर। सर, आपका शुभ नाम क्या है सर? सुधीर कुमार। सर जी, आपका ट्रेड टेस्ट हो गया जी। आप जो है अपना एक्सपीरियंस अपने भाइयों के साथ शेयर करना चाहोगे, किस प्रकार से क्या क्या हो रहा है वहाँ पर, हर एक बात जो है, मतलब आप कहाँ के रहने वाले हो, कैसे क्या वहाँ पर पहुँचे हो, कितने बजे एंट्री, सब कुछ आपको पूरा डिटेल बताना है अपने भाइयों को। अभी आप लाइव चल रहे हो सर? यस सर, अभी लाइव नहीं है सर, लाइव थोड़े टाइम से आता है प्रीमियर के रूप में, अभी सिर्फ रिकॉर्डिंग चल रही है सर। जी। तो बताइए सर, किस प्रकार से क्या क्या हो रहा है सर? हाँ सर, मैं जैसे सुबह 5:30 बजे एंट्री हुई थी, वही जहाँ दिल्ली टेस्ट था। मेरा नाम सुधीर कुमार, मायपुर गौतम नगर चौक, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश, 28-32-03। माय कॉन्टेक्ट नंबर 95-48-82-66-62। एक बार और बोल दीजिए, जो भी बंदे आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहेंगे संपर्क कर लेंगे, सीधा नंबर बोल दीजिए एक बार और। 95-48-82-66-62। सर, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ सर, जितने भी बच्चों के साथ कुछ भी उल्टा हो रहा है, उसके लिए भी ये कार्रवाई चल रही है। पहले आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या क्या हो रहा है। सर, बहुत जरूरी है, मैं चाहता हूँ अगर जो भी होगा मैं अपना पूरा 100% दूंगा, क्योंकि मेरे साथ हुआ है। मैंने कितने दिनों से तैयारी करी थी फिजिकल की, बहुत अच्छे से तैयारी करी थी, क्योंकि मेरी तो कोई सोर्स है नहीं, मैं अपने दम पर ही जो भी कर रहा था अपने दम पर ही कर रहा था। सर, आप तो अपना एक्सपीरियंस दीजिए कंटिन्यू, मतलब किस प्रकार से हुआ सर, सुबह आप एंट्री हुई? वहाँ एंट्री हुई थी 5:30 बजे, उसके बाद में मेरा 1-2 घंटे बाद नंबर आया था, फिर वहाँ जाकर के मैंने उसको किया, लाइन में लगे, फिर 20-20 का ग्रुप भेज रहे थे, 20 का ग्रुप भेज रहे थे, वहाँ पे अंदर पहुंचे, उसके बाद में वो हुआ सर, जो 20-20 बच्चों को अंदर भेज दिया कल? नहीं, 20 बच्चों को नहीं, जैसे 20 का ग्रुप बना के गेट से अंदर लिए पहले, फिर 20 का ग्रुप लेकर के अंदर वहाँ उसको बायोमेट्रिक के लिए भेजा, 20 का ग्रुप। हाँ सर, बायोमेट्रिक के लिए भेजा, वो हो करके उसके बाद में और एक और वहाँ पे सिग्नेचर वगैरह एक जगह और करवाए थे, उसके बाद में जैसे अंदर इंटरव्यू के लिए भेज रहे थे, तो वहाँ पे एक जीना बना हुआ है, जीना सीढ़ियाँ, तो वहां पे 20 लड़कों को खड़ा कर लिया जा रहा है, वहां से 10 लड़के अंदर भेजे जा रहे थे हॉल में, एक हॉल है और वहां पे झाड़ू किस जगह पे लगवाया जा रहा है, नीचे टाइल्स बिछी हुई है और पानी डला हुआ है, और झाड़ू को पकड़ा देते हैं 1 मिनट के लिए, बस बस झाड़ू पकड़ो, और कोई कैसे भी मार रहा है वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे, बस ऐसे ही किया। लेकिन फिर भी मैंने अपने जितना अच्छा हो सके, और बहुत से लड़के तो कोई दाढ़ी में, कोई कैसे ही, कोई निक्कर, कोई लोअर, मैं तो अपनी हाइजेनिक पूरी 1-2 सारी तैयारी करके गया था, मैंने कोई मेरे में कमी ना निकल दे, तो सामने वाले ऑफिसर से ये ना कहेंगे तुम टेस्ट देने आए हो या फिर गार्डन में घूमने आए हो। मतलब क्या क्या पहन के गए थे सर आप, ड्रेसिंग क्या करके गए थे? मैं नीचे सूज वो वाले जो होते हैं इंटरव्यू के लिए वो, और उसके बाद में मैं जो जींस की पैंट की मना कर रखी मेरे, मैंने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है 1 ईयर डिप्लोमा, तो मेरे को सारे चीज बताए कि डिप्लोमा वो इंटरव्यू किस तरीके से दिया जाता है, मेरे पास मेरी एजुकेशन है, बीकॉम कर रखा है मैंने, बीएड कर रखा है, 1 साल का
होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा है, 1 साल का आईटीआई हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर से कर रखा है मैंने, इतनी सारी एजुकेशन है। उसके बाद भी मैं अंदर गया, उन्होंने तो वहां पे उसी तरीका से गया जिस तरीका से इंटरव्यू में जाते हैं, क्योंकि मैं कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रहा था अपनी तरफ से। मैंने वहां पे तैयारी पूरी करके गया था, यहाँ तक कि मैंने टाई तक साथ लेके गया था। मैंने टाई से थोड़ा सामने वाले का इन्फेक्शन अच्छा पड़ता है खड़े होते हैं तो 20 लड़के का ग्रुप था, उसमें 10 लड़कों को पहला भेजा, उस 10 में मैं था। तो जैसे ही हम एंटर हुए अंदर, एंड सर मैं रोकना चाहूंगा और पीछे थोड़ा बैक जाना चाहूंगा, तो इंटरव्यू से पहले ही ग्राउंड में बैठे थे एक जगह, वहां पे जो मेरे आगे वाला लड़का था उससे आगे वाला लड़का किसी ऑफिसर से मिलने गया था। उसका मेरे को नाम याद नहीं है, बट वो जाट था कोई, ठीक है, सॉरी मैं देखो कोई कास्ट से मैं वो नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं ना तो इन चीजों को मानता हूँ ना कुछ, लेकिन मेरे को बताना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि मेरे को उसका नाम याद नहीं है, बस कोई जाट था इसलिए। तो मैंने देखा कि वो लड़का उठ के गया, किसी ऑफिसर से मिला, तो ऑफिसर से मिला, वहां पे जाकर के मैंने देखा मेरी आंखों के सामने जहाँ सेलेक्ट लड़के बैठा रहे जा रहे थे, सेलेक्ट हुए लड़के, वहां पे पेड़ के पास में एक ऑफिसर बैठे थे, सिविल ड्रेस में बैठे थे, सफेद लोवर और सफेद टी शर्ट पहनी हुई थी उन्होंने और बैठे थे वहां पे। उनसे जाकर के वो मिला तो मैंने कोई होगा, मैंने एक कांस्टेबल सर थे वहां पे, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने सर ये लड़का कहाँ जा गया है, कह रहे तुम ये मन सोचना कि रिसोर्स के लिए गया है, वो तो बस ऐसे ही मिलने गया है। मैं ठीक है सर, तो वो वहां पे उससे मिला उस ऑफिसर से, फिर लौट के आया, तो मैंने उस लड़के से ही पूछा, मैंने भैया कहाँ गया था तू, के वो मेरी पहचान गए इसलिए उन्होंने बुलाया। मैंने अच्छा, तो मैंने भैया क्या बताया मेरे को भी बता दे। तो उन्होंने उस लड़के ने बोला देखो कोई भी नहीं चाहता कि मेरी नौकरी कोई दूसरा ले ले, इसलिए उस लड़के ने भी मुझे ना तो कुछ बताया लेकिन गलत बताया, जो एक एक बात बताई वो भी गलत बता दी कि वहां पे जो अंदर रखा है सफेद बोतल में वो तेजाब है, और जबकि सफेद बोतल में यहाँ तो सफेद कलर का यहाँ डिटॉल होता है या फिनाइल होता है, क्योंकि मैंने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, तो वहां पे मैंने होटल जो कॉलेज में भी पढ़ा है, और जहाँ 6 महीने के लिए मैं ट्रेनिंग के लिए गया था, वहाँ 1.5 महीने के लिए हाउसकीपिंग करी थी, 1.5 महीने के लिए किचन का किया था, 1.5 महीने के लिए सर्विस वाला किया था, रेस्टोरेंट वाला 1.5 महीने का फ्रंट ऑफिस का ट्रेनिंग, तो हाउसकीपिंग का किया, मेरे हाउसकीपिंग में इंटरेस्ट था इसीलिए मैंने स्वीपर के लिए डाला। तो मैंने इस चीज की मेरे को सारी नॉलेज थी, R1 से लेके R9 तक मेरे नोट्स बने रखे हैं उसी होटल मैनेजमेंट के, मेरे को किसी की जरूरत नहीं पड़ी कि कहीं से मैं कैसे तैयारी करूं क्या, मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस था मैं अच्छे से करके आऊंगा, और अच्छे से किया मैंने। तो मैंने वहां पे जाकर के ठीक है उस लड़के से पूछा, तो उसने कह दिया कि ये जो अंदर रखा है वो एक सफेद बोतल में तेजाब है। मैं ठीक है उससे फिर मैंने कुछ नहीं पूछा, मैंने ये जो भी बता रहा है गलत बता रहा है। उसके बाद मैं हम अंदर गए। सर आपने वीडियो देख रखा था हमारा एक्सपीरियंस का? जी मैंने आपके एक दो वीडियो देख रखे हैं, आपके भी देखे हैं, और भी एक दो चैनल थे। देखो मैं बोल तो रहा हूँ मैं कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाह रहा था, इसलिए मैंने YouTube पे जितने भी चैनल होते हैं उससे पढ़ाई करी, वीडियो देखी और सारी चीजें करी, कॉपी से पढ़ा, और यहाँ तक कि उस टेस्ट को छोड़ो मैंने राज्य की इंडिया के जितने भी स्टेट हैं उनकी राजधानियां, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, क्योंकि मैं लेवल NTPC जो रेलवे NTPC है, ग्रुप डी है, और यहाँ तक कि जो SSC से MTS हुआ था उसकी भी तैयारी की है, मतलब करता हूँ, और मैं तो मेरी इसको छोड़ के अदरवाइज बहुत नॉलेज है, ये मेरे लिए कुछ नहीं था। ठीक है मेरे इसमें नंबर भी रिटर्न में बहुत अच्छे थे, लेकिन क्या फायदा रिटर्न में नंबर अच्छे होने से। सर आपका रिटर्न में क्या था सर? जी सर रिटर्न में कितने नंबर थे सर आपके? मेरे 35 थे सर। 35? हाँ सर बोलिए। और मैंने वहाँ लड़कों से पूछा किसी के 20 नंबर, किसी के 25, मतलब 30 से किसी 2-4 लड़कों के होंगे। हाँ। मैंने जिनसे पूछा था तो वहां पे जैसे अब मैं अंदर वाली बात बताता हूँ, अंदर गए
वहां पे सारे केमिकल्स रखे हुए थे एक टेबल पे, हाँ सारे, एक में फिनाइल था, एक में व्हाइट कलर का वो फिनाइल था, और डिटॉल, और R3 रखा था, R4 भी रखा था, और एक ओडोनिल जो टॉयलेट में रखते हैं ना बदबू के लिए, बदबू ना आए तो उससे महक उड़ती है, ओडोनिल, ओडोनिल रखा था। तो उसी को लेकर के बच्चे जो फेल होके आ रहे थे तो कह रहे थे कि वहां पे एक सामान सा रखा है, वो समझ में नहीं आ रहा क्या आ रहा है, क्योंकि ओडोनिल की तो वो ऊपर से रैपर हटा दिया था, बस उसको एक व्हाइट रैपर में रख दिया था जिससे बच्चे समझे के। तो वहां पे हम 10 लड़के गए, तो मेरा नंबर 7वें नंबर पे था, सीरीज भाई खड़े थे ना, तो 6वां या 7वां नंबर था मेरा। तो उधर से नंबर 1 पे लड़का, उसने उठाया, उससे सबसे पहले उसी सफेद बोतल को उठवा लिया गया कि बेटा वो बोतल उठा और बता उसमें क्या रखा है। तो उसने बताया कि डिटॉल है, डिटॉल है, एक ने महाराष्ट्र का लड़का था उसने बताया फिनाइल है, और मेरे पास आया तो मैंने भी देखा, मैंने भी बता दिया फिनाइल है, क्योंकि उसमें महक, हम फिनाइल को बनाते हैं तो कॉन्सेंट्रेट करके और उसको कलर अपने इच्छा से भी कर सकते हैं कलर वाइज, तो उसको बताया। उसके बाद में उस लड़के ने आगे बढ़ाया, ऐसी सभी के पास वो बोतल गई और अपना अपना बता के और रख दी बोतल। फिर उसके बाद में एक तेजाब की बोतल उठवाई, उसमें ऑलरेडी ऑफिसर जो सामने बैठा था उसने, एक लड़का कैफ खोल रहा था उस बोतल की, तो उससे पहले ही एक लड़की, वो ऑफिसर ने बोल दिया कि बेटा मैं बोल रहा हूँ इसमें तेजाब है, लेकिन लड़का माना नहीं, उसने कैफ खोला, और वो जैसे ही उसमें खोला तो इतनी तेज वाष्प निकली, धुआं निकला, कि वो अलग से ही पता चला था कि वो एसिड है। तो लड़के ने ढक्कन बंद कर दिया, फिर सभी को पास करते गए, तो सभी ने बस एसिड है, तेजाब है, एसिड है, तेजाब है, ऐसे करके बोला और बोतल पकड़ा दी। फिर एक ऑफिसर जो फर्स्ट नंबर पे बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा कि ये एसिड है, आपने कैसे पहचाना गया एसिड है। फर्स्ट लड़के जो फर्स्ट वाले ने कुछ बोला ही नहीं, सेकंड वाले ने बोला कि सर मैंने पहचाना क्योंकि इसमें से धुआं निकल रहा है, कि धुआं तो कई चीजों में से निकलता है, धुआं तो गर्म पानी में से भी निकलता है, धुआं तो कोल्ड ड्रिंक में से खोलेंगे उसमें भी से निकलता है। मैंने बोला सही बात है, धुआं तो किसी में से भी निकल सकता है, मैं सोच रहा था मन में, तो हमने कैसे पहचाना। तो महाराष्ट्र वाला लड़का था तो उसने बोला कि सर एसिड है, इसको कोई उसने कैसी केमिकल का नाम बताया था। फिर मेरे पास आया तो मैंने बोला कि आपने, तो मैंने सर बोला मैंने हाइड्रोक्लोराइड होता है, मैंने इसके साथ में एथलाइड मिक्स होता है, ऐसे करके एसिड मिलता है, और इसको जैसे ही हम कैफ खोलेंगे तो इस केमिकल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने से ये वाष्प बन के बाहर निकलता है। तो अब उन्होंने एक और क्वेश्चन पुट अप कर दिया वहां कि इस जो धुआं निकल रहा है उस धुआं में कौन सा पदार्थ होता है, मतलब कौन सी गैस होती है, उस गैस का नाम बताएं आप। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि IAS का इंटरव्यू ले रहे हैं, और टफ कर दिया यदि आप बताने को रहे कोई तो। ग्रुप F नहीं, ऐसे लग रहा था DM बनाने वाले हैं अभी। उसके बाद में भी मैंने हार नहीं मानी, जितना उन्होंने क्वेश्चन, देखो मैंने 3 चीजें उन्होंने हाथों में दी, तीनों चीजों के मैंने नाम बताए, एक केवल यही, एक जितने क्वेश्चन थे उसमें से एक यही आंसर नहीं दिया मैंने कि वो जो धुआं निकलता है उसमें क्या होता है। अब वो मैं जहां तक बता सकता हूँ, कोई भी नहीं बता सकता उस धुएं के अंदर कौन सा केमिकल और मतलब कौन सी गैस होती, कौन सी वाष्प होती है। अगर कोई बता दे तो मैं उसको 1000 रुपये इनाम दूंगा। तो वहां पे उसने बस फिर रखवा दिए। उसके बाद में एक पूछा कि हाँ ठीक है आप लोग जा सकते हैं। उसके बाद में हम लौट आए, जाकर के ग्राउंड में बैठा दिए सभी के सभी 20 लड़के। वहां पे कुछ बताते नहीं है वो कि कौन फेल है कौन पास है, इंटरव्यू के टाइम पे ग्राउंड में बैठ गए, ग्राउंड में आकर के बैठ गए। फिर और ग्रुप गया 20 का, फिर 20 का गया, मतलब 3-4 ग्रुप के इंटरव्यू होने के बाद में रिजल्ट आया, मतलब पूरे 100 लड़के हो चुके थे, 100 में से वही 5-6 लड़के पास किए थे। हाँ सो में से पांच छह हाँ क्योंकि
हमारे ग्रुप में से एक वो पास किया था और एक और लड़का पास किया था महाराष्ट्र वाला। दो लड़के हमारे ग्रुप में से पास किया और एक और आगे वाले ग्रुप में से एक ऐसे एक दो पास कर रहे थे। तो मैंने तो पहले ही पहचान लिया था इसका होना ही होना है। वो बंदा पहले मिल के आया था क्या? हाँ जो पहले मिलके आया था उसका सबसे पहले उसी का नाम लिया कि फलाने सिंह जाट खड़े हो कौन। तो वो लड़का तुरंत खड़ा हो गया। अब मेरे को जैसे ही वो खड़ा हुआ इतनी गुस्सा आ रही थी मेरे को। मैंने इस बंदे ने उस केमिकल मतलब जो फिनाइल था उस बार उसके बारे में ओडोनिल था उसके उसको वो सामान बता रहा था कि ये सामान है। और कई लड़के तो उसको फिट कर ही बता रहे थे। तो इस तरीका से मैंने इसने एक आंसर तक नहीं बताया मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। इसी बात पे मेरे को गुस्सा आ गई बस। सर या तो वो मैं सभी को फेल कर देते या उस चलो महाराष्ट्र वाले को कर लिया मेरे को दिक्कत नहीं होती क्योंकि उसने वाकई में उस बंदा बीएससी से केमिस्ट्री किया हुआ था और उसने ना जो भी अपना दो चार क्वेश्चन के आंसर भी दिए थे उसको बिना फालतू मेरे लिए तब मेरे को गुस्सा आ रहा है। अब मेरे को 10-15 लड़के भी मिल जाए मैं सुप्रीम कोर्ट में रिट डाल दूं और बोल दूं कि ये भर्ती धांधलीबाजी से हो रही है। बिल्कुल सर ना मैं आपने सबूत हूँ जीता जागता मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर के मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। सर आप तो देखो मैं आपको एक बात आई बोलूं रिक्वेस्टेड प्लीज हेल्प मी सर। सर, मैं ये बोलना चाहूंगा कि देखो हेल्प के तौर पे मैं एक ही काम कर रहा हूँ फिलहाल। मैं आरपीएफ ट्रेड टेस्ट के जितने भी बंदे हैं सभी को मैंने नीचे एक और चैनल क्रिएट कर दिया था, उसमें सारे आरपीएफ के बंदे उस पर जुड़ जाएंगे, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं सिर्फ 250 लोग जुड़ पाते हैं उसमें, सही है कि नहीं? और इसके लिए टाइम भी नहीं है। और आप अगर कुछ करना चाहो या आप हमारी हेल्प करना चाहो किसी लड़कों हाँ तो मैं सिर्फ एक ही काम कर सकता हूँ, कोई सबूत तो लागे अपने पास, सबूत तो होना चाहिए। तो बताइए क्या करना होगा फिर। कोई भी बंदा जो आगे जाता है वो कोई ऐसा कैमरा वगैरह लेके जाए जो अंदर की एक शूटिंग करके ले आए, बस वो अपना काम हो जाएगा। ये किस प्रकार से वो ट्रेड टेस्ट ले रहे जैसे हैं? सुनो वो जो ना अंदर तक फोन तो हमारे साथ ही था फोन जमानी की उन्होंने हाँ बैग में रखे थे बैग भी हमारे साथ थे। तो बैग में चालू करके रख दे, ऑडियो वगैरह रिकॉर्ड हो जाए, इतना काफी है, अंदर का रिकॉर्डिंग हो जाए बस ऑफिसरों अगर मेरे को ऐसा मालूम होता ना तो मैं करके लाता। की। अब जितने ही बंदे जा रहे हैं उन लोगों को सोच लो, कोई तो करके लाए, जब तक कोई करके नहीं लाएगा जब तक कोई कुछ नहीं हो सकता। एक तो कोई ना कोई सबूत होना चाहिए इसके लिए। सिर्फ मैंने अभी एक ही काम किया है कि बंदों को नीचे आरपीएफ ट्रेड टेस्ट नाम से मैं चैनल बनाया है उस पर इकट्ठा कर लिया, जिससे क्या है कि बंदे आगे से कुछ भी होगा ना तो वहां मैं बस। सुनो मेरा हो ना हो इस भर्ती में कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि फ्यूचर में इस तरीका से किसी और बंदे के साथ हो हाँ वही क्योंकि तो। सभी कोई राजा का बेटा नहीं है। इस ग्रुप एफ की भर्ती देख रहा है सभी गरीब के बेटे हैं सभी मेहनत करके आते हैं बिल्कुल ये भी ठीक आप है। बात सही और बोल रहे जो बंदे मेहनत करके नहीं आते चले आते हैं कमारों की तरह और उनकी केवल पहचान होती है वो लग जाते हैं। हैं, यही तो गलत हो रहा है बस। तो मैं बस ये नहीं चाहता कि कोई अनफील्ड जो उससे जानकारी नहीं रखता कुछ नहीं फिर भी उसके लिए सेलेक्ट कर ले रहा जा रहा है। तो हाँ ये भी आप आप बोल जो रहे सही है, अच्छा बेटर समझे मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है और अगर बिल्कुल बंदे हो तो मेरे को उनका व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं। मेरा बिल्कुल। व्हाट्सएप तो नंबर दूसरा है बट ये नहीं है आप अपना व्हाट्सएप नंबर ही बोल दीजिए, बंदों को मिल जाएगा। 9286600607 धीरे धीरे बोलिए सर। 92 86 60 60 27। सर अभी तक जितने भी बंदे मुझे सुन रहे हैं तो सभी से मैं यही कहना चाहूंगा, यदि आपको शक है तो पहले से तैयार होके जाएं इस बात के लिए कि मतलब कोई वहां से कुछ ना कुछ बोले के आए प्रूफ, तो अपन कुछ कर सकते हैं, इससे पहले सर कोर्ट भी अपनी कोई नहीं सुनेगा, सही है? क्योंकि हर चीज सबूत ठीक है मांगती है जो भी कोर्ट। हो बता देना फिर मैं कॉल कर देना मैं तैयार हूँ ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, बस नीचे जो मैंने एमसीजी एकेडमी के नीचे जो चैनल दिया है उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उस पर कम्युनिटी चालू होने वाली है, फिर कोई भी मैसेज होगा तो आरपीएफ के सारे बंदों पर एक ही बार में पहुंच जाएगा, इसी कारण हमने उसको बना लिया है। अब आप और कुछ यदि अपने बंदों से कुछ और कहना चाहते हो तो बताइएगा, इसको 1000 नहीं लोग नहीं मैं सुनने कुछ वाले नहीं हैं। बोलना चाहता मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि जो भी जाएं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक अच्छे से करके आए बस। और कुछ नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि मैं तो देख चुका हूँ मेरे साथ जो हुआ है मैं नहीं चाहता कि किसी और बंदे के साथ हो। ये भी आपका कहना बिल्कुल सही है सर। बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।
थैंक यू सर, बहुत बहुत गुड बाय। धन्यवाद सर, जो है आपने अपना कीमती समय बंदों को दिया। थैंक जी। यू सर।